आप लोगों ने चड्डी गैंग को पकड़ने का जो महान काम किया है, मैं सोच रहा हूँ कि उस पर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखकर तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपवा दो। अरे नहीं भाई नहीं, ये सब पेपर में छापने की क्या जरूरत है? दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पीने के लिए। अरे भाई मजाक कर रहा था मैं। बराबर पोपट चाय पीने आया है, जरा चाय बना दे। हाँ हाँ वो भी लाती हूँ। हाँ और चाचा जी? बस कुछ नहीं भाई। चाचा जी, सबकी शादियां होती है, पता नहीं मेरी ही शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरे ही साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? सच कह रहा हूँ चाचा जी, मैं जीवन में बहुत अकेला हूँ, किसी के साथ अपनी खुशियां नहीं बांट सकता। अगर मेरी भी शादी हुई होती तो मेरे घर में भी कितनी खुशियां होती है? बारिश का मौसम, गर्मा गर्म पकौड़े, चाय, मजा आ जाता। मैं भी अपनी पत्नी को लेकर बाहर घूमने जाता, उसे फिल्म दिखाता, उसकी सालगिरह मनाता। अब देखिए ना, मेरा जन्मदिन तो 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी, तो कम से कम उसकी सालगिरह तो मनाता ना। मेरे अगर छोटे छोटे बच्चे होते तो उनके साथ में खेलता, उनका जन्मदिन मनाता, उन्हें कभी कभी स्कूल लाने जाता, कभी कभी स्कूल छोड़ने जाता। लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना बन के रह गया। हकीकत में मैं इतना अकेला हूँ कि जिंदगी बोझ सी लगने लगी, कभी कभी तो काटने को दौड़ती है। देख भाई पोपट, ये बात सच है कि तेरी शादी करने की उम्र की भी उम्र हो गई है और फिर भी तेरी शादी नहीं हुई। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि तेरा परिवार नहीं है। अरे ये पूरा गोकुलधाम तेरा परिवार ही है ना? हाँ हाँ चाचा जी, वो बात तो है, पर अरे पर क्या, ऐसे देखा जाए तो दुनिया में सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख है। फर्क सिर्फ इतना है कि सभी के दुखों का रूप अलग अलग है, और अपने दुखों को अपने किस्मत से मिटाना वो तो हमारे हाथ में है नहीं, मगर अपने दुखों से लड़कर अपने जीवन को आसान बनाना ये तो हमारे हाथ में है ना। सच बात है। तो फिर और ऐसे भी तू कहाँ अकेला है? तेरे साथ तेरा साथी है ना? कौन? अरे ये तेरा छाता। अरे हाँ 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 चाचा जी, ये बात तो है। तो फिर ये ना तुझसे कभी लड़ता है, ना कभी तुझे परेशान करता है। बिल्कुल सही बात है। चाय। अरे थैंक यू, क्या बात है दया भाभी। और देख पोपट, मेरी और एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कण कण में भगवान है, वैसे ही हमारे जीवन की हर बात में कहीं ना कहीं खुशियां छुपी होती है। हमें सिर्फ उन खुशियों को ढूंढकर अपने आप को खुश रखना है, समझा? हाँ, मेरी माँ भी कहती है कि जिंदगी जियो तो ऐसे जियो जैसे हर दिन दिवाली हो, और खुशियों को मन में भर के रखो भले तिजोरी खाली हो। वाह वाह दया भाभी वाह, धन्य है आपकी माता जी। वाह चाचा जी। सुख गया। सुना मेरे साथी, आज से दुखी होना कैंसल। अरे बबर भाई, आज अब बहुत खुश नजर आ रहे, सहनाई बजने वाली है क्या? अरे भाई वो खुशी का दिन भी चल जाएगा। तो तब मिलते। ये बाप दूर रुक, जा कहाँ रहा? घर पर रद्दी बहुत जमा हो गई है, आकर ले जा। अच्छा चलो। पोपट भाई को घर में से रद्दी देना है इसलिए इतना खुश। इनके यहाँ से रद्दी लेना यानी कि दिमाग का दही। बिजनेस इज बिजनेस। पोपट भाई, ये सारा आपने लिखा? नहीं, ये सब मैंने पढ़ा है। ये ले। तो दोबारा क्यों पढ़ रहे हो? ये अब्दुल, फालतू जोक मारना बंद कर और अपना काम कर। ये ले, रख इसे।
एक मिनट, वो मैगजीन के नीचे वाली अखबार देना जरा। ये वाली? हाँ हाँ वही दे। अरे आराम से भाई, फट जाएगा अखबार। नहीं नहीं, इसमें कुछ काम का नहीं। ये ले, रख दे इसे, नहीं चाहिए। वापस रख दू? क्या पोपट भाई, 3 बार रसी खुलवाई आपने। अरे भाई अब्दुल, वो मैगजीन का है? कौन सी? अरे भाई जिसमें वो कवर पेज पे छाते का फोटो था। वो तो मैंने दूसरे बंडल में बांध दिया मैंने। क्या वो मैगजीन तूने रद्दी में डाल दी? अरे भाई खोल ये सारी रस्सियां, खोल और निकाल उस मैगजीन को। उठ खड़ा हो, निकाल उसे फटाफट। उसमें मेरे वो मेरे प्यारे छाते का फोटो है, आर्टिकल है उसके ऊपर। रद्दी में डाल दिया उसे। ये हाँ ये, अरे निकाल उसे। एक सेकंड। हाँ पता है कितने साल से मैंने इस मैगजीन को संभाल कर रखा है, इसी में मेरे प्यारे छाते पर आर्टिकल है। क्यों है? काश ये आर्टिकल नहीं होता तो मुझे ये घड़ी घड़ी बंडल नहीं खोलने पड़ते। पोपट भाई फाइनल, डालना निकालना बंडल में से कुछ नहीं ना, एकदम फाइनल। हाँ भाई हाँ, सब फाइनल है भाई, ले जा। अब्दुल, पोपट भाई अगर आपने फिर से रसीद खुलवाई ना तो आपके घर से रद्दी लेना कैंसिल। एक तो 1 रुपया मिलता है 1 किलो के पीछे, वो भी ये रद्दी उठा के उस दुकान तक लेके जाना पड़ता, उसमें मेरा वजन कम हो जाता है। 5 मिनट का काम के लिए पूरा 1 घंटा लगता है। अरे भाई मैं ये कह रहा था कि ठीक से जरा वजन करवाना। चल ले जा आप सब, ले जा। हाँ ले जाता हूँ, बाकी सब दूसरे राउंड में लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ से जाओ? अरे भाई कहीं से भी जा, इतनी सारी जगह है घर में। ये अब्दुल बच गया। अरे तू तो बच गया लेकिन छाते को गिरा दिया। सॉरी, तू जानता नहीं है ये मेरा छाता मुझसे मेरे लिए ज्यादा बढ़कर है। ये मेरे जीवन का सबसे पहला खरीदा हुआ छाता है। मेरे पास जितने छाते हैं ना उनमें से ये सबसे पुराना और मेरा पसंदीदा छाता है। अरे तुम जानते क्या हो छाते के बारे में? सॉरी बोला ना, मैं सॉरी। ओहो ये सारे मैगजीन्स भी रख देता हूँ, घर की हालत देखो। ओहो, क्या बात है, अरे ये अब्दुल इतना जल्दी वापस आ गया। अरे आता हूँ भाई, आजा अब्दुल आजा। जी मैं अब्दुल नहीं अदिति हूँ। ओह आई एम सॉरी 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 वेरी सॉरी अदिति जी, मेरा नाम पोपटलाल है, मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, मैं प्रोडक्ट सर्वे हूँ। ओह अच्छा, वेरी गुड। मैं भी किसी जमाने में प्रोडक्ट सर्वे का काम करता था पार्ट टाइम, वैसे मैं कुंवारा हूँ। मैं भी। अच्छा अदिति जी आपके घर पर कौन कौन है? मैं और मेरा साथी, मेरी ये पर्स
अच्छा 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 मेरे घर पर भी हम दो लोग रहते हैं, मैं और मेरा साथी जी। मेरा ये छाता। अच्छा 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 ओके ओके सर। नहीं 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 सर नहीं सर नहीं, पोपटलाल कहिए, सुनने में अच्छा लगता है। पोपटलाल जी एक ग्लास पानी मिल सकता है? ओ श्योर श्योर, आई एम सो सॉरी। आइए ना, आइए प्लीज, आइए 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 आइए। आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। बैठिए बैठिए बैठिए। ये मेरा छोटा सा घर है। सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, घर की थोड़ी साफ सफाई चल रही थी। वो क्या है ना, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ ना, तो आप समझ सकती हैं कि जी मैं समझ गई। यानी आप भी? जी मैं भी। वो क्या है ना आदित्य जी, पोपटलाल तू क्यों खड़ा है? तेरे पे नहीं हंस रहा हूँ, आ बैठ। ओ अच्छा अच्छा, मैं तो डर गया था चाचा जी। अरे भाई ये पेपर में जो लिखा है वो पढ़कर मैं हंस रहा था। अच्छा हाँ। अरे चाचा जी ऐसा क्या लिखा है अखबार में जो आप इतना हंस रहे थे? अरे एक कुंवारे को किसी ने शादी के लिए 24 घंटे कुएं में डुबकी लगा के खड़े रहने के लिए कहा। अच्छा तो फिर उसकी शादी हुई कि नहीं? शादी नहीं हुई, निमोनिया हो गया। क्या चाचा जी आप भी ऐसी खबरें पढ़ के हंसते हैं? अरे वो सब छोड़ ला, तू बता कैसे आना हुआ, फिर से चाय पीना है? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल बोल। यहाँ नहीं, आप जरा बाहर आइए ना। बाहर क्यों? वो क्या है चाचा जी, प्राइवेट बात है। अरे तो इधर बता ना भाई, इधर कौन सुनने वाला है? चाचा जी बात की गंभीरता को समझिए। अरे बात ही नहीं पता तो गंभीर कैसे हूँ? चाचा जी इधर नहीं बता सकता, आप जरा समझिए, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे तो दीवारों के कान में क्यों बताना है, मेरे कान में बता। हाँ ये ठीक है। हाँ सुनिए। सॉरी सॉरी। मतलब ये बात है। हाँ तो क्या लगता है आपको चाचा जी? चाचा जी आप बुजुर्ग हैं, मेरे दिल की शिक्षा को पूरी करने के लिए बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मजा आ जाए। देख भाई पोपट, मेरा तो ये मानना है कि अपने मन को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। बस थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। तो मैं काम करता हूँ, योते का श्री गणेश आपके घर से ही करता हूँ। कर कर। देव अभी है घर में? हाँ है ना। ओ जी बापू जी, पोपट जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं देव अभी रुकिए रुकिए रुकिए, मैं हर बार सिर्फ चाय पीने थोड़ी आऊंगा। मैंने कल क्लब हाउस में सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया है, उसका न्योता देना चाहता हूँ आपको। किस बात की पार्टी? दया भाभी पार्टी सरप्राइज है, अभी से बता दूंगा तो सरप्राइज का मजा क्या रहेगा। कल दोपहर को 1:20 पर आपको क्लब हाउस में तैयार होकर आना है। हाँ, हाँ, जरूर आएंगे, क्योंकि आपका प्रसंग वो हमारा प्रसंग, तो जरा पता तो चले कि हमारा प्रसंग है क्या। दया भाभी आप भी कमाल है, वो सब मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कोई तैयारी करनी है? नहीं नहीं नहीं, तैयारी वैयारी सब हो जाएगी, वो सब मैं कर लूंगा। आप सिर्फ एक बात याद रखिए, वो है पार्टी का समय। एक भी? बस तो फिर अब चलता हूँ, वो कल की पार्टी के लिए भीड़े से क्लब हाउस की परमिशन भी लेनी है ना। नमस्ते दया भाभी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते।
पोपट भाऊजी भयंकर प्यार करते हैं चाहते से। अरे विचारो नकोस माधवी, जब वो मुझे डांट रहा था तो उसको देखने जैसा था, मुझे लगा भाई थोड़ी देर में दुनिया हिल जाएगी। वैसे अच्छा हुआ, मुझे तो दया भाभी के परिवार को थैंक्स बोलना चाहिए। क्यों? अरे उनकी वजह से तो आपका छाता टूटा, वरना आराम से 2 साल और वापरते इसको आप। नहीं नहीं 2 साल नहीं माधवी, लेकिन 6 महीना और वापरता। लेकिन अभी नहीं वापर सकता, बहुत कंडीशन खराब है इसकी। नशीब, ये हाल तो होना ही था इसका। कितना सस्ते वाला लेकर आए थे आप, 4 साल चला ना, वो भी बहुत चला। मुझे तो लगा था 1-2 साल में ही टूट फूट जाएगा। अभी ये छाता पुराण बंद करो, अभी एक काम करो, इसको ना माले पे रख दो, हाँ भंगार में निकालेंगे, अगर फेंकेंगे ना तो फिर से पोपटा हर्ट हो जाएगा। भाई अपने जमाने के एक मेवा भिड़े घर पे है। पोपटलाल आओ आओ बैठो बैठो बैठो। भाई बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम ये लो। ये क्या है, छाता फेंकने पर कानूनन नोटिस तो नहीं है ना ये? अरे भाई अगर तुमने गलती से भी छाते को फेंका तो कानूनन नोटिस जरूर दूंगा। अरे भाई नहीं फेंका, मैंने माले पे रख दिया अभी। फिर ठीक है, तुम पढ़ो अभी से। हाँ। ओहो, क्लब हाउस में फंक्शन की परमिशन चाहिए। भाई कमिटी मेंबर होने के नाते मैंने पोपटलाल को परमिशन दे दी है, तुम खाली इस पर साइन कर दो। लेकिन फंक्शन क्या है? अरे भाई कल पता चल जाएगा, सरप्राइज पार्टी है। ओ पोपट भौजी, कहीं आप लड़की पसंद करके हमें शादी का सरप्राइज सुने दे रहे हैं ना? कठिन है। ये भाई भिड़े, तू क्या हर बार मेरी शादी की बात सुनकर कठिन है कठिन है करता? माधवी भाभी सरप्राइज फंक्शन है, अभी बस इतना ही। बराबर। चल ठीक है, फंक्शन क्या है वो मत बताना, लेकिन सरप्राइज क्या है? भाई भिड़े, अगर मैं अभी बता दूंगा कि सरप्राइज क्या है तो फिर सरप्राइज सरप्राइज रहेगा क्या? ये भी, आप लोग कल 1:20 पर क्लब हाउस में आ जाइएगा, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा। भाई ये फंक्शन मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए भिड़े परिवार आपको सज धज कर क्लब हाउस में आना है, अभी बस सिर्फ ये याद रखिए है। नक्की नक्की पोपट भौजी। एक मिनट, लेकिन माधवी अभी तक इस एकमे और सेक्रेटरी ने परमिशन कहाँ दी है? ये कठिन। पोपट भौजी, मिसेस एकमे और सेक्रेटरी आपको परमिशन देती है। बस फिर क्या है भाई, तुम्हारी परमिशन की जरूरत ही नहीं है। चलो अभी चलता हूँ, बहुत सारे काम बाकी है, मेहता साहब को भी न्योता देना है ना। चलता हूँ, आ जाइएगा। हाँ पक्का। क्या होगी पार्टी? Everything is packed now. तारक लीजिए। ये क्या? करेले का जूस। है? आपके सफर का साथी। अंजलि, ये मेरे सफर का साथी नहीं है, अंग्रेजी में जो सफर होता है ना ये उसका साथी। I'll be suffering if I take that. बाहर जाता हूँ उसमें भी तुम अपनी कड़वी यादें दिलाए बिना नहीं मानोगी अंजलि। तारक, आप 2 दिन पूना जाओगे तो मुझे याद करना भी पसंद नहीं करोगे? अरे अंजलि, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आपका मतलब मैं खूब समझती हूँ तारक, आप भी सभी पतियों जैसे ही हो, अपनी पत्नी के प्रेम को हथकड़ी और शादी को उम्र कैद की सजा समझते हो। Try to understand अंजलि, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और तुमने बात को सीरियस मोड़ दे दिया। वैसे एक बात बताऊं, जब भी फ्री होता हूं मैं तुम्हें याद करता हूं। अच्छा, फ्री टाइम में यानी टाइम पास। अरे यार आज तो सारी बॉल्स नो बॉल्स हो रही हैं। अंजलि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, ऐसे लड़के बाय बोलोगी तुम? नहीं अंजलि, मैं जब भी बाहर जाता हूं ना तुमसे मिलने को इतना दिल करता है और दिल बेकरार हो जाता है तुम्हारा चेहरा नहीं देखता तो लैपटॉप में तुम्हारी तस्वीर देखता हूं। अच्छा लैपटॉप क्यों? उससे भी अच्छा आइडिया है मेरे पास। क्या? अपनी शादी के दोनों एल्बम ले जाओ ना साथ में, देखते रहना फ्री टाइम में। 6 किलो वजन है एल्बम्स का तारक। अब अच्छा ले जाता हूँ, लाओ भाई। मैं मजाक कर रही हूँ। थैंक यू। अरे पोपटलाल भाई। अरे पोपटलाल भाई आइए ना। हाँ बिल्कुल। बैठिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। क्यों आना, मतलब कैसे आना हुआ पोपटलाल? मेहता साहब, अंजलि भाभी, मैं आप दोनों को खास न्योता देने आया हूँ। कल दोपहर 1:20 पर क्लब हाउस में मैंने सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया है और आप दोनों को उसमें आना है। 1:20 कल? थैंक गॉड। I mean, oh God, मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे मेहता साहब, पार्टी कंपलसरी है भाई, आना पड़ेगा। अरे पोपटलाल, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है लेकिन बहुत जरूरी काम है, अगर तुम पहले बता देते कि सरप्राइज पार्टी है तो मैं एडजस्ट कर लेता, अब तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा,
अंजलि भाभी आप तो यही है ना? हाँ मैं तो यहीं पर हूँ। हाँ अंजलि यही है। बस तो फिर कल दोपहर को 1:20 पर आपको क्लब हाउस में आना है, भूलिएगा मत है। ठीक है चलिए अब चलता हूँ, मुझे बहुत सारे और काम है, हाथी भाई के घर जाना नहीं होता, अभी चलता हूँ। हैप्पी जर्नी। तो मित्रों पोपट लाल ने गोकुल धाम के सभी निवासियों को सरप्राइज पार्टी का निमंत्रण देके उलझन के झूले में बैठा दिया। अब सारे के सारे लोग मन में कयास लगा रहे हैं कि भाई आखिर ये पार्टी किस चीज की, सरप्राइज क्या होगा, पोपट लाल क्या सरप्राइज देने वाले हैं। भाई ये तो ऐसा ही हो गया जैसे इस देश में लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि कितने घोटाले हैं, कितने करोड़ के घोटाले हैं, इस देश का कितना काला धन बाहर है, वैसे ही सारे लोग अंदाजा लगाने में जुट गए हैं कि भाई पोपट लाल क्या सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं। क्योंकि पोपट लाल कुछ करें और वो साधारण सी चीज हो ये तो संभव नहीं है, पोपट लाल कुछ करें वो नॉर्मल हो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ इतने हंगामे होंगे क्या आप कहेंगे कि भाई क्या बात है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मतलब ठाके। एग्जैक्टली, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मतलब हंसी और ठाके। देखते रहिए कि क्या क्या होने वाला है सरप्राइज पार्टी सामने। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।